वेलकम इन दिस न्यू लेसन ऑफ हारमोनियम। सो जो आज का टॉपिक है वो है स्केल। स्केल क्या होता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला, हमारे जो ऑक्टेव में है 12 नोट्स होते हैं, और 12 नोट्स यानी कि हमारे पास 12 स्केल्स हैं, और इन हर किसी नोट से हम स्केल बना सकते हैं इन 12 नोट से। तो अगर मैं बात करूँ कि जो स्केल होता है वो तराजू होता है, इसे हम कोई चीज़ नहीं तोलते बल्कि आवाज़ को तोलते हैं। आवाज़ की जो रेंज है, जो पिच है, उसको तोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगा गर्लस की स्केल कहाँ से बना सकते हैं, तो जो गर्लस की स्केल है वो है जी से। गर्लस का स्केल बन सकता है जी शार्प, बी, ए शार्प, सी से भी बन सकता है, सी तक भी बन सकता है, यानी कि ये वाला नोट यहाँ भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। अगर गर्लस यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं सी नोट से, अगर हम यहाँ से स्केल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सीधा हमें जाना है इस पटरी से, जो रीड है हारमोनियम का, इसे सीधा जाना है। सारे गामा सा। तो अगर गर्लस का जो वॉयस होता है वो पतला होता है, तो अगर हम बी को नोट लेकर उसका स्केल बनाएंगे सा, यानी कि हमने एक नोट डाउन कर दिया जो हमारा अभी नी था। अगर ये सा, अगर हम पहले स्केल देंगे, ये सा था हमारा अभी, उसके पीछे अगर हम जाते तो नी होता, नी दा पा। अब हमने नी को ही सा बनाया यहाँ से, यानी कि बी नोट को। अगर हम यहाँ से अपना ये बनाएंगे, स्केल बनाएंगे, कैसे बन जाएगा? सा रे ग मा पा दा नी सा सा नी दा हमने बी नोट से अपना सा बनाया, यानी कि जो हमने पहले स्केल दिया था सी, सी से जो सी को जो हमने सा बना के सी से नी आ रहा था उसको हमने अब सा बनाया, हमने नी को सा बनाया। अब इस सा से, मैंने पहले बोला कोई बी की सा बन सकता है, अब जो इस बी को हमने सा बनाया, बी से हमने अपना स्केल दिया, अब देखेंगे इसमें हमारी कंफर्टेबिलिटी आती है गले की, गले में कोई स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा है, हम कंफर्टेबली जा पा रहे हैं स्केल से। जैसे सा रे ग म प द नी सा, तो ये ऑक्टेव बन गया। सा नी द प म ग रे सा, इजीली हम जा रहे हैं इस स्केल से। ये स्केल इसीलिए बनाया गया, इस स्केल का सेट, ताकि हर कोई अपना स्केल ले सके, इजीली गा सके, किसी भी कष्ट के बिना गा सके, तो इसीलिए स्केल का सिस्टम बनाया गया। अगर कोई हाई गाता है तो उसके लिए वो अपनी स्केल ले सकता है, कोई लो गाता है तो वो अपनी स्केल ले सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अब अगर हम देखेंगे कि मेल कहाँ से स्केल बना सकते हैं, अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मेल भी बना सकते हैं सा। कभी कभी क्या होता है कि जो फीमेल का स्केल होता है, सॉरी, फीमेल की वॉइस होती है वो मेल की तरह होती है, तो उनका स्केल मेल के आजू बाजू ही रहता है, या कभी मेल की वॉइस फीमेल की जैसे पतली होती है तो उनका स्केल भी फीमेल के स्केल के आजू बाजू रहता है। तो अगर हम मेल का बोलेंगे, मेल यहाँ से स्केल बना सकते हैं सी से। देखिए, जैसे आपको मैं एक कंसेप्ट समझा चुका हूँ कि जो हमारे नोट्स हैं उनका नाम क्या है, जैसे सारे सा, देखिए सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, है ना, ये नोट्स के नाम है। तो किसी भी इन नोट से हम स्केल बना सकते हैं। फर्ज करो हम अगर मेल का स्केल बनाएंगे यहाँ से, मेल के लिए सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा। अब अगर हम इसको अप करेंगे, एक नोट अप करेंगे, जैसे हम इधर से बनाएंगे डी से, तो हमने ये डी से स्केल बनाई। इसका मतलब है अभी हमने जो पहले सी से बनाई थी यहां से,
सारे। तो जिसको हमने डी में सा बनाया वो सी पे हमारा रे था। अगर हम सी स्केल से देखें तो ये हमारा रे नोट था। जब हमने स्केल को अप किया जो हमारा रे नोट था इसको ही हमने अब सा बनाया। हम इसको कहीं पे भी सा बना सकते हैं। मैं बोलूंगा अगर हम इस सी शार्प से सा बनाएंगे तो क्या कहाँ से स्केल बन जाएगी, देखिए। सारे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। अब देखना है कि स्केल को कैसे पहचाने। हमें चाहिए कि हम चार स्केलों में अपना गाना रिकॉर्ड करें, फिर हमें जो स्केल अच्छी लगे, कंफर्टेबल लगे, कि गले में स्ट्रेस नहीं आ रहा है, गले में कोई स्ट्रेन व्रेन नहीं आ रहा है, तो वो ठीक है हमारी स्केल, वही स्केल हमारी सही है। तो उसी में हमें एक ही स्केल लेके उसी में फिर रियाज करना चाहिए। अब स्टेज पे क्या होता है, हाई नोट्स में गाया जाता है, उससे क्या होता है उसे खिल कर गाना आता है, गाने में जो है वो अच्छे से दिखता है गाना, हाई नोट्स में अच्छा लगता है। बट वो स्टेज का परफॉर्मेंस होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है। मगर जो रियाज का मसला होता है, रियाज का ये होता है कि रियाज को आप हमेशा लो नोट्स में आपको करना चाहिए। रियाज को भी कभी आप अगर ज़्यादा हाई नोट्स में करेंगे कंटिन्यू तो आपका गला दिन ब दिन उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, स्ट्रेन पड़ सकता है, स्ट्रेस पड़ सकता है। तो बेहतर है कि आप लोअर स्केल कोई ले तो उससे रियाज करें और अपना कंटिन्यू वही स्केल रखें। और हमें स्केल में भी ध्यान रखना है कि हम कितना लो जा रहे हैं और कितना हाई जा रहे हैं, तीन ऑक्टेव्स में हमें घूमना है। जैसे अगर हम यहाँ से स्केल लें तो जो भी हम ऊपर, अगर हम अपर ऑक्टेव में जाए जो हमारा सुर है वहाँ वो बराबर गले में आना चाहिए, गले को हमें बराबर उस हिसाब में लाना है कि हम उस नोट को लगा सकें। तो वो कैसे होगा देखिए, सारे गामा, ये मैं सी शार्प से भी स्केल ले रहा हूँ, सा सी शार्प को सा बना रहा हूँ, सारे गामा पदानी सा रे गा। तो अभी गा तक पहुँच रहा है, तो मेरा जो स्केल है इस ये वाला स्केल मेरा कंफर्टेबल, मेरा यही स्केल है अपना। तो अभी मैं गा तक, सुबह का टाइम है, गा तक जा रहा हूँ। तो नीचे भी मुझे देखना, जैसे अभी मैं ऊपर गया था सारे गामा पधानी सा रे गा, बस सारे रे तक रे, इधर से नीचे देखना नीचे कितना आ रहा है, सा ना दा पा, यहाँ तक कम से कम आना चाहिए, पा या मा तक तो आना ही चाहिए। तीन ऑक्टेव्स में हमें वो टच होती, तीसरा ऑक्टेव टच होना चाहिए, जैसे सारे गामा पदानी सारे, यहाँ तक इजीली जा रहा है मेरा। सो आपको भी अपने हिसाब से स्केल ढूंढनी है। जब भी आप हारमोनियम खरीदोगे आपके पास है तो आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर, पहले अपनी स्केल देखनी है, लेसन को समझना है, स्केल अपनी देखनी है। अगर मैं बोलूँगा, मैंने बोला था रिसेंटली गर्ल्स ए शार्प से गा रही हैं, गा सकती है, तो ये ए शार्प स्केल सारे गामा पदानी सा, तो ये ओके बन गया सानी दा पा मा गा रे सा, सारे गामा पदानी सा सानी दा पा क्योंकि हम अभी प्योर सुरस की बात कर रहे हैं, शुद्ध सुरस में भी हम जो शुद्ध सुराज है हमारे उनमें स्केल ढूंढ रहे हैं। पहले देखना चाहिए नोट आ रहा है, आपको चेक करना है, उससे आपका सुर ज्ञान भी आ जाएगा। सारे गामा तो ये हो गई आपकी ये स्केल, यहां भी गर्ल स्केल बना सकती है। तो जी शार्प से अगर देखेंगे, देखिए सारे गामा सारे गामा द नी सा सा नी द मा ग रे सा, तो ये बन गई गर्लस की स्केल, यहाँ से भी बना सकते जी शार्प से सारे गामा मा द नी स।
नि द प म ग रे सा रे गा म म द नि सा सा नि द प म ग रे। पहले पहले ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके बाद जब आपको वो आ जाएगी स्किल तो आप इजीली उसको कर सकते हो। तो ये थी जी शार्प। तो मैंने बोला आपको जी से भी बना सकते हैं, ये है जी नोट सा रे गा म सा रे गा म प द नी सा। इसमें आपको एक ब्लैक की जरूरत पड़ती है, सा अगर आप जी से बनाओगे सा ने द प म ग रे सा, तो ये बन गई हमारी जी स्केल। तो स्केल का क्या मतलब है, देखिए जिन्होंने भी स्केल्स बनाई, हमारे जो रहे हैं म्यूजिशियंस उन्होंने स्केल बनाई, तो उन्होंने इसलिए ये बनाई ताकि हर कोई कंफर्टेबल रहे रियाज करने में, गाना गाने में, उसकी अपनी रेंज के मुताबिक जो उसका रेंज होगा। सो दुनिया का कोई भी म्यूज़िक, चाहे वो जैज़ हो, टप्पा हो, कुछ भी हो, जो वेस्टर्न का पूरा म्यूज़िक हो, वो इन्हीं 12 सुरों से निकलता है जो मैंने आपको बोला। यही जो मैं फिर से बोलूँगा, सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए शार्प बी सी, बी तक है, सी से देखिए सी से सी तक है। तो यहीं से दुनिया के सारे सुर निकले हैं, ठीक है। तो कोई भी म्यूजिक इधर से ही निकलता है। बस अब मसला है आपको, आपको हर किसी स्किल से रियाज नहीं, स्किलों से रियाज नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, वश में करना है नोट्स को, 12 नोट्स को, जो मैंने ये बोले आ, आ, इनको अपनी टेक्निक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ से सुर हैं। तो इन सारे सुरों को आपको वश में करना है, तब जाके आपका जो रेंज है वो भी बढ़ जाएगा, आपका स्किल का ज्ञान भी बढ़ जाएगा। तो स्टेज पे कभी क्या होता है, गलत स्किल लेके बंदा चढ़ता है स्टेज पे, तो वो फिर उसका स्ट्रेंथ पड़ जाता है, वो मतलब चिल्लाता है स्टेज पे, क्योंकि उसने गलत स्किल ली हुई होती है, उसको स्किल का ज्ञान नहीं होता, रेंज का ज्ञान नहीं होता, पिच का ज्ञान नहीं होता है। सो इट इज़ मस्ट, यू शुड नो दैट व्हाट इज़ योर स्किल, आप किस स्किल में कंफर्टेबल हो गाने के लिए। सो अगर मैं मेल्स की बात करूँगा, तो मेल्स की जो स्केल है वो कहाँ से स्केल बना सकते हैं, वो है सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ। तो अभी मैंने सी शार्प से मैंने बोला मैं कम्फर्ट, मेरी जो स्केल है कम्फर्टेबल स्केल वो सी शार्प है, यहाँ से सा रे गा मा पा दा नी सा, इजीली मैं जाता हूँ सा नी दा पा मा गा रे सा। डी यहां से मेल स्केल बना सकते, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसके बाद डी शार्प से बना सकते, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा रे दा पा मा गा रे सा। तो जो अभी मेरा, जब मैंने सी शार्प से गाया सा रे गा मा पा दा नी सा, तो उस सी शार्प स्केल से जो मेरा ये नोट था, ये मेरा रे बनता था सा रे, तो अब मैंने रे को ही सा बना दिया, सा रे गा मा पा दा
सा नी दा पा मगर ऐसा। सो दिस इज द स्केल सिस्टम, ऐसे ही आप अपने स्केल बना सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नए लेसन में हम कुछ और सीखेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।